चलो क्वेश्चन नंबर 15। ई एफ जी 4:3:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक ही पीढ़ी के साझेदार हैं। ई तारीख 31/3/2017 के दिन निवृत्त होता है। तो देखो हमने अकाउंट यहाँ पहले से बना के रखे हुए हैं, उसमें से ई क्या हो रहा है पहले से ही हम रिटायर कर देते हैं। ई रिटायर हो रहा है तो ई को हमने रिटायरमेंट दे दी है। उसके बाद में हमको देखो पीछे पक्की तलपट दी हुई है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद भी हमको समायोजन दिए, हम समायोजन को फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पीढ़ी की ख्याति, तो ख्याति का समायोजन अभी हम करते नहीं है तो इसको हम देख भी नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं। जमीन मकान की कीमत 7,000, तो जमीन मकान को टिकमा करना है दूसरा नंबर। उसके साथ साथ फर्नीचर की कीमत भी हमको डिसाइड करनी है तो वो भी दिया है दो नंबर। अब स्टॉक 10% अधिक कीमत से दर्शाया हुआ है तो उसको हम तीन नंबर। ई को 5,000 तुरंत चुकाना है और बाकी की रकम लोन रखनी है, ये भी हमको पता चल गया, कोई बात नहीं। एफ और जी द्वारा ई को चुकाने के लिए 2,000 कार्यशील पूंजी। देखो हमने अभी पिछला सवाल किया उसी के जैसा है, पर थोड़ा सा ट्विस्ट डाला इन लोगों ने कि ई को जो चुकानी रकम है वो अभी तक क्या होती थी पूरी चुका दी थी हमने, अब यहाँ क्या थोड़ी लोन रखनी है और थोड़ा चुकाना है, तो दोनों टाइप का पार्ट पेमेंट किया इन लोगों ने। तो कोई बात नहीं, हमको उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो हमारे रूल्स के थ्रू चलना है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ भी सवाल के अंदर फ़ायदा क्या है तुमको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, ना तो लाभ के अनुपात के बारे में और ना ही नए अनुपात के बारे में। तो जो तुम्हारा पुराना अनुपात रहेगा वही हमारा क्या बनेगा लाभ का अनुपात, और वही हमारा क्या बनेगा नया अनुपात। ये इस चीज़ के बारे में भी, सवाल के बारे में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। स्टार्ट करते हैं हमारी पक्की तलपट से। सबसे पहले दिया हुआ है ख्याति, अगर संपत्ति में पुरानी ख्याति दी हो तो उसको हम बांट देते हैं साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में। अनुपात था पुराना 4:3:3, टोटल होता है उसका 10,000 है, उसको बांटेंगे तो हम लिखेंगे ख्याति खाता पूंजी खाते के उधार साइड 400, 300, 300। 1,000 को हमने 4, 3, 3 में बांटा है इसके लिए। जमीन मकान ये देखो पीढ़ी की संपत्ति है, संपत्ति को हम संपत्ति साइड में लिख रहे हैं और जहाँ टिकमार्क होगा वहाँ टिकमार्क करते ही चलना है, ठीक है। जमीन मकान लिया 6,000 रुपये। उसके बाद में फ्री होल्ड संपत्ति है, कोई टिकमार्क नहीं है, सीधा बाहर जाने देंगे। हाउ मच इज दैट 3,000। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर दिया हुआ है, कितना दिया है 3,000 का ही है, वो भी टिकमार्क है, लेकिन स्टॉक 6,600 टिकमार्क किया हुआ है। देनदार में इस बार कोई भी समायोजन नहीं है सो डायरेक्टली बाहर 7,000। रोकर शेष हमको अभी कुछ पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन शेष दिए वो हम यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए, क्या लिखेंगे कितना है 400, तो हमने यहाँ 400 लिख दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, पूंजी दी है 8,000, 5,000, 2,000, तो पूंजी को हम लिखेंगे पूंजी में, शेष आगे लाए 8,000 ई की, 5,000 एफ की और 2,000 जी की। सामान्य अनामत खाता ये एकत्रित लाभ है पीढ़ी का, इसको हम बांट देंगे, 2,000 दिया है तो कितना होगा 800, 600, 600, ठीक है। उसके बाद में हमको लेनदार लिया है और देने उड़ी दिया, कोई समय जन नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे उनको लेनदार खाता, कितनी रकम दी है 8,000 की तो 8,000 पूरा। लेनदार के बाद में लिखा हुआ देनी हुंडी, तो देनी हुंडी हम यहाँ लिख दिए 2,000 रुपये, तो पूरा 2,000 यहाँ भी आ गया। अब आगे समायोजन की बात करनी है ख्याति की, थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड पर रखते हैं। पहले हम क्या करेंगे संपत्ति से रिलेटेड, जमीन मकान की कीमत 7,000, तो पहले कितनी थी 6,000, तो अभी क्या हुई कितनी 1,000 की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई तो क्या हुआ बोलेंगे 1,000। उसके बाद में हमारे पास है फर्नीचर की कीमत 2,000 निश्चित की गई है, तो हमने फर्नीचर की कीमत लिख दी, तो अभी क्या हुआ देखो पहले 3,000 थी अभी 2,000 हो गई, तो कमी हो गई। इसकी दूसरी तरह आएगी
यहाँ लिखेंगे हम पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में, क्योंकि संपत्ति में कमी हो रही है। फर्नीचर खाता 1000 रुपये का। उसके बाद में हमको यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉक 10% अधिक कीमत पर दर्शाया है, तो ये ऑलरेडी अधिक कीमत पर, यानी कि माना कि पहले 100 था, उसके अंदर 10% अधिक यानी कि प्लस किया हमने 110, तो 110 पर 6600, तो 100 पर कितना, तो 6600 गुणा 100 भाग 110, तो 6000 रुपये जो हमारी उसकी असली कीमत है। तो वृद्धि कितने की हुई है यहाँ पर, उसको हम घटा देंगे कि वो गलती से वृद्धि की हुई है लोगों ने, तो कमी कितनी हुई 600। ये कहाँ आएगा हमारा स्टॉक खाता। इसके सिवाय हमारे पास संपत्ति से रिलेटेड या दायित्व से रिलेटेड कोई समाचार नहीं है, डायरेक्ट अब पूंजी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम थोड़ा उसको भी होल्ड पर रखते हैं, उससे पहले हम करेंगे इसका काम। पुण्य मूल्य खाते का हमने टोटल किया 600 रुपये आया, सॉरी 1600 रुपये आया। डिफरेंस जो आएगा हमारे इन दोनों के बीच का आ रहा है 600 रुपये की हानि हो रही है। क्या हो रही है? तो वितरण पात्र हानि हम यहाँ लिखेंगे 4:3:3 के अनुपात में 240। ये क्या हमारा ई एफ और जी, ये हम लिखेंगे क्या इस साइड, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम वितरण पात्र हानि या तो पुनः मूल्यांकन खाता 240, 180, 180, ठीक है। उसके बाद में हमको आगे क्या बोला वो देखते हैं। ई को तुरंत 5000 चुका देने हैं, तो पहले हम देखो ई को चुका ही देते हैं। ई कहाँ है ये रहा, इसको 5000 चुकाना है, तो यहाँ पर ई के खाते में उधार क्या लिखेंगे यहाँ पर हम रोकड़ खाता, रोकड़ चुकाने के लिए बोला है इसके लिए, यहाँ उधार, ये कहाँ जाएगा यहाँ पर जमा में क्या लिखेंगे हम एक आप मुझे खाता, कितना है 5000। उसके बाद में हमको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बाकी के हम लोन रख लेंगे। फिर लिखा है एफ और जी द्वारा ई को चुकाने के लिए 2000 कार्यशील पूंजी के रूप में रोकड़ रखनी है, ऐसा बोला है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ख्याति का है वो देख लेंगे, क्योंकि ये क्या हमारे पूंजी के बारे में आ गया है। तो ख्याति के लिए हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 गणना की बात करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है ई एफ जी कुल, पुराना कितना दिया है 4:3:3 टोटल 10। ई निवृत्त हो रहा है और कोई सूचना नहीं दी है, इसलिए नया प्रमाण होगा वही लाभ का प्रमाण होगा और वही पुराना इनका जो होगा वो कितना है एफ और जी का 3 और 3 बचा, तो 3 और 3 को हम क्या बोल सकते हैं, एक अनुपात एक बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों समान हो गए, समान यानी कि एक अनुपात एक हमारे पास है, ई तो चला गया है इसके लिए। पेड़ी की कुल ख्याति कितनी है देखो, तो 7000। उसमें से हम जी की ख्याति की बात करते हैं, सॉरी ई की ख्याति की, क्योंकि निवृत्त कौन हो रहा है, ई की ख्याति कितनी आएगी 7000 गुणा 4/10 2800, और 2800 को हम दोनों दो अनुपात में बांटेंगे एफ और जी 1400 समान अनुपात में, ठीक है। ये देने वाला ये पाने वाले, ई का पूंजी खाता जमा और एफ और जी का पूंजी खाता उधार, तो ई के खाते में हम लिखेंगे 1400 1400। क्या लिखेंगे, एफ का पूंजी खाता और जी का पूंजी खाता, इसको हम क्या लिखेंगे इस साइड में 1400 और 1400। ई का पूंजी खाता क्या लिखेंगे, किसकी असर दी हमने, ख्याति की, ठीक है। अब हमारे काम कंप्लीट हो चुका है, हम ख्याति लिए पूंजी की जो गणना है वगैरह है वो हम कर सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, बैलेंस करेंगे, टोटल करेंगे इनका, और सबसे पहले सिर्फ किसका करेंगे, जाने वाले साझ दर का, ई का 8000 10 800 11000 11600। उसमें से हम इस सब को माइनस करेंगे, 59.60 आएगा, 59.60। इसको हम क्या बोलेंगे,
लोन का था, क्योंकि उन्होंने बोला कि पार्ट पेमेंट लोन में उसमें करना था रोकड़ से, तो मैंने कर दिया, लेकिन बाकी की जो रकम बची वो कहाँ जाएगी? लोन में। तो लिखेंगे लोन खाता किसका? ई का, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते ई की लोन कितनी? 5960। ठीक है, अब बात करते हैं एफ और जी की, पर कोई मतलब नहीं है बात करने से। हमको पता है कि कार्यशील पूंजी कितनी रखनी है? 2000 रुपये। सवाल में पढ़ा था हमने, ऐसा कहीं लिखा था कि एफ और जी द्वारा ई को चुकाने के लिए और रुपये 2000 रोकड़ कार्यशील पूंजी के रूप में रखने के लिए। तो लिखेंगे हम पहले शेष आगे ले गए, लिखा कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी जब भी दिया हो हमको रोकड़ खाते में लिख देने का, शेष आगे ले गए उस रकम को 2000। अब क्या करेंगे हम? हमको पता है इस साइड का टोटल मिल ही गया, तो कर देते पूरा 27000। सत्ताईस में से इसको माइनस करेंगे 15960 को, तो बचेगा 11040। ये पूंजी किसकी बचेगी अब? एफ और जी की, क्योंकि ई तो चला गया। अब जो बचा उसको हमको किस में रखना है? समान भाग में आवश्यक रकम कार्यशील पूंजी के रूप में रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर यहाँ से टोटल नहीं होगा, यहाँ से होगा इसका। इतनी रकम आएगी वो ठीक है, बट यहाँ पर पहले इसको करेंगे 5 और 2 7। क्यों ऐसा किया? तो देखो लिखा हुआ है कि 2000 कार्यशील पूंजी रखने के लिए समान भाग में आवश्यक रोकड़ लानी है। रोकड़ समान भाग में लानी है, इनका कुछ बोला नहीं है पूंजी का। तो इसका टोटल करो कितना आता है? 7000। 7000 माइनस करो, डिफरेंस कितना आता है? 6600 का। 6600 को समान भाग में बांटने की बात की इन लोगों ने, तो मैंने कर दिया उसको 3300 3300। यही होगा ना समान अनुपात 6600 का। अब ये किस किस का है? एफ और जी का। तो मैं लिखूंगा एफ का पूंजी खाता और जी का पूंजी खाता। ठीक है, अब ये रकम कहाँ जाएगी? यहाँ पर आएगी। यहाँ पर क्या उधार, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जमा में 3300 3300। क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाते में हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे हम? एफ और जी का टोटल। यहाँ हमको स्टेप्स को खास ध्यान रखना है, कब कौन सी चीज़ होगी। वो देखने में अपने को कार्यशील पूंजी वाला एक जैसा था, लेकिन हम डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते। हमको रोकड़ के बारे में बोला, तो अपने पहले रोकड़ किया फिर ये किया। अब यहाँ लिखे जाएंगे 5900, उसमें से इन सब को माइनस कर देंगे हम 620 को, तो बचेगा हमको हमारे पास 5280। इस साइड से देखो हमारे पास 8900, इस साइड से माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? सॉरी ये रहो गया मेरा 40 20। एक बार ये 1400, मैंने 140 काउंट कर दिया, 40 20, और इस साइड हमारे पास आएगा 70 20। देखो ये कितना आ रहा है? 70 20। ये 1400 है, हमको ध्यान ये रखना था इसके लिए। ये हमारा क्या हो गया? शेष आगे ले गए। ठीक है, 70 20 और 40 20 को हम यहाँ लेके जाएंगे, तो दोनों का टोटल देख लो इतना मिल जाता होगा अपने आप, और हमारी बैलेंस शीट से मैच ऑटोमेटिकली हो ही रही है। तो इस तरह से हमारे ये सवाल होगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट था, शेष आगे ले गए हैं उसके लिए हमको कार्यशील पूंजी दी थी, ये था अंतर निकल गया, पर रकम हमको नहीं पता। रकम के लिए हमको क्या करना पड़ा कि रोकड़ जो थी वो समान अनुपात में लाने के लिए बोला था, तो 666 का जो डिफरेंस आएगा इसका टोटल करने के बाद उसको हमने समान अनुपात में बांटा। उस समान अनुपात में बांटने के बाद इसको हम कहाँ लेके गए? यहाँ पर लेके गए, फिर इनका टोटल किया, डिफरेंस निकाला, उसको उठाकर हम यहाँ ले गए। ये हमारे लिए नया था इसके अंदर, ये ध्यान रखना है।